अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ कैरमल फिरनी। ये सौंधी सौंधी खुशबूदार फिरनी आपको खाने में बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि पहले हम बनाते खाते फिर बताते। तो इसके लिए मैं ली हूँ 10 बादाम, 4 छुहारा, 10 काजू, 3 टेबलस्पून सूखा खोपरा, 4 इलायची, 10 से 12 पिस्ता। ये केवड़ा वाटर है, इसमें से 7 बूंद लूँगी। 1/4 कप शक्कर लूँगी। इधर मैं 1 कप दिखा रही हूँ, लेकिन मैं आगे 1/4 कप शक्कर यूज़ की हूँ। इसी कप से बासमती चावल 1/4 कप ली हूँ। ये 1.5 लीटर दूध है जिसको मैं गर्म कर ली हूँ। तो इतनी चीज़ों को मैं फिरनी, कैरमल फिरनी बनाने के लिए लूँगी। चावल को 1 घंटा पहले मैं भिगो दी थी, अब इसको मैं मिक्सर में दरदरा पीस लूँगी। चावल को मिक्सर में मैं दरदरा कूट ली और इसको दूध में मिलाकर मैं स्लो आंच पर चम्मच चला चला के इसको पकाऊंगी। चम्मच चलाते रहूंगी बीच बीच में, ताकि ये नीचे लगे नहीं। चावल को हम मोटा ही कूट के दूध में मिलाएंगे। ऐसे ही दरदरा ड्राई फ्रूट को भी हम मिक्सर में पीस लेंगे। चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे नहीं। चम्मच चला चला के हम कैरमल फिरनी बनाएंगे। ये देखिए, ड्राई फ्रूट को हमने दरदरा पीस ली। फ्राई पिन में मैं 1 चम्मच घी डालूंगी और ये ड्राई फ्रूट को मैं हल्का सा रोस्ट कर लूंगी। बस इतना ही हम ड्राई फ्रूट को हल्का रोस्ट करेंगे। धीरे धीरे फिरनी पक रही है, हम इसको स्लो आंच पर पकाएंगे धीरे धीरे, तो बहुत अच्छी ये फिरनी बनके तैयार होगी। फ्राई पिन में मैं 1/4 कप शक्कर लूँगी और 1/2 कप पानी डालकर मैं इसको कैरमल बनाऊँगी। उधर मैं आपको 1 कप शक्कर बताई हूँ, लेकिन मैं 1/4 कप शक्कर ले रही हूँ, 1/4 कप चावल और 1.5 लीटर दूध। अगर आपको ज़्यादा मीठी फिरनी पसंद है तो आप 1.5 कप शक्कर ले सकते हैं। इसको मैं 15 से 20 मिनट तक स्लो आँच पर कैरमल बनने तक पकाते रहूँगी। फिरनी बनने के लिए चावल बिल्कुल गल गया है। अब इसमें हम 7 बूंद केवड़ा, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और पिसा हुआ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। इसको हम स्लो आंच पर पका रहे हैं। अभी देखिए, इसमें बबल आने लगा। अभी शक्कर वाइट दिख रही है, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी हम चूल्हे को बंद कर देंगे। फिरनी में केवड़ा डाल दूंगी, इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। फिरनी से अभी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कैरमल बन गई। अब इसको मैं फिरनी में डाल के चम्मच चला चला के जल्दी जल्दी मिक्स कर दूंगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये फिरनी अगर ऐसे बना के आप खाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि हम पहले बनाते खाते फिर बताते। ये कैरमल फिरनी इतनी अच्छी खाने में लगती है कि लोग 1 कटोरी खाने के बदले 2-3 कटोरी खा जाते हैं। हम कैरमल मिलाने के बाद भी थोड़ा सा इसको पकाएंगे, ताकि फिरनी में एकदम से कैरमल मिक्स हो के फिरनी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाए। बस 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। कैरमल फिरनी बनके तैयार हो गई है। हम इसको मिट्टी की कटोरी में निकाल देंगे। गर्मा गर्म कैरमल फिरनी हम मिट्टी की कटोरी में निकालेंगे, तो मिट्टी की कटोरी की खुशबू और कैरमल फिरनी की खुशबू दोनों मिलके बहुत ही लाजवाब टेस्ट मिलेगा। इसको आप फ्रिज में रख कर ठंडा करके भी खा सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल स्मूथ, ठंडी ठंडी, मुंह में जल्दी ही जाके घुल जाए कैरमल फिरनी। ऐसी फिरनी कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बना के ये फिरनी खाना पसंद करेंगे। फिरनी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा।